नमस्ते जनता, आप देख रहे हैं शाही भोज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछली वीडियो में अपन ने बनाया था स्टफिंग इडली और इस वीडियो में अपन बनाने वाले हैं वेजिटेबल इडली। और ये रेसिपी भी बहुत इजी है बनाने में, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और सामग्री कुछ इस प्रकार है, 2 कप सूजी, 1/2 कप दही, 1 कटोरी फ्रेश उबले हुए मटर, 1 शिमला मिर्च कटी हुई, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई धनिया, बारीक कटी हुई मिर्ची। तो सबसे पहले एक बर्तन में 2 कप सूजी डालें, उसके बाद उसमें अपन डालेंगे 1/2 कप दही। ये याद रखिएगा, दही ठंडा ना हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दही लेंगे। फिर इसमें अपन डालेंगे 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। फिर इसमें अपन डालेंगे 1 पैकेट ईनो। इसके बाद इसमें अपन डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक। फिर इसमें अपन डालेंगे 1 चुटकी बेकिंग पाउडर। फिर धीरे धीरे पानी डाल के इसको अपन मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इस बैटर को बनाने में मुझे 2 कप पानी यूज हुआ है और मैंने इस कप से पानी का मेजरमेंट लिया है और ये कप 250 ml का है। अब इस बैटर को अपन 10 मिनट तक ढक के रेस्ट पर रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और अपना बैटर बिल्कुल तैयार है। अब इसमें अपन मिक्स करेंगे वेजिटेबल। तो सबसे पहले हरी मिर्च डालेंगे, फिर इसमें अपन डालेंगे मटर, फिर इसमें अपन डालेंगे धनिया, फिर इसमें अपन डालेंगे शिमला मिर्च और फिर इसमें अपन डालेंगे टमाटर। ये सब डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी अपन इडलियां बनाएंगे। तो मैंने इडली के स्टैंड को गैस में रख के उसमें 3 कप पानी डाल के उसकी 1 उबाल ले ली है। अब इसमें अपन इडलियां बनाएंगे। तो सबसे पहले सांचों में तेल लगा लें ब्रश या हाथों की मदद से। तेल लगाने के बाद इसमें अपन बैटर डालेंगे। बैटर डालने के बाद इसको ढक के 15 मिनट के लिए इसको अपन स्टीम कर लेंगे। 15 मिनट हो चुका है और इडलियां भी अपनी बहुत अच्छे तरीके से स्टीम हो चुकी हैं। अब गैस को बंद कर दीजिए और इसको थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए, उसके बाद अपन इससे इडलियां निकाल लेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, अब चाकू की मदद से इडलियां निकाल लें। जैसा कि आप देख सकते हैं इडलियां बहुत अच्छे से फूली हैं। अब ये इडलियों को किसी भी प्लेट में निकाल लीजिए और ये आपकी वेजिटेबल इडली तैयार है। अपने फैमिली वालों को सर्व करें। अगर उनको ये पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।